बेस ने कहा कि साजिश में एक बड़े कॉरपोरेट हाउस का हाथ है। जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि न्यायालय हम सबसे ऊपर है, अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई फिक्सिंग रैकेट चल रहा है तो हम इसकी जड़ तक जाएंगे। हम जानना चाहते हैं कि फिक्सर कौन है। पीठ ने सबूत दिखाने के बाद अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि क्या आप किसी जिम्मेदार जांच अधिकारी को हमारे चैम्बर में बुलाएंगे? अगर मामला सही है तो बेहद गंभीर है। इसके बाद वकील ने एक और सीलबंद लिफाफा कोर्ट को देकर कहा कि दो साजिशकर्ता मुझसे मिले थे। कोर्ट ने बेस को गुरुवार की सुनवाई के दौरान एक और हलफनामा देने के लिए कहा। जस्टिस अरुण मिश्रा ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख, सीबीआई निदेशक और दिल्ली के पुलिस आयुक्त को चैम्बर में आकर मिलने के निर्देश दिए। इसके बाद दोपहर 3 बजे सुनवाई की। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस फली एस नरीमन और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को उत्सव को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने और उसे जारी रखने के निर्देश भी दिए। इससे पहले जस्टिस एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की आंतरिक जाँच समिति ने आरोप लगाने वाली महिला को नोटिस जारी कर 26 अप्रैल को तलब किया। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।